नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को किया ढेर। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7 ठिकानों पर चल रही छापेमारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्तिक चिदंबरम से सीबीआई ने की पूछताछ, चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने का मामला। बिजली वितरण कंपनियों को बकाया 4 सालों के मासिक किश्त में लौटाने की मिली छूट, मंत्रालय ने शुरू की नई स्कीम। तलाक के हसन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मुस्लिम महिला ने की असंवैधानिक घोषणा करने की मांग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष को किया आगाह, बोले आपके बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में, तो भड़क उठे अखिलेश यादव। सपा प्रत्याशियों के नामांकन के बाद भाजपा व प्रत्याशियों पर मंथन, क्षेत्रीय जातीय समीकरण पर भी नजर। अरबों की संपत्ति के मालिक कपिल सिब्बल के पास हीरो होंडा बाइक भी, जावेद अली खान है करोड़पति। विवेकानंद डोबरियाल के करीबी कानून गो का फर्जीवाड़ा उजागर, लखनऊ में महिला की जमीन नौकर के नाम करवा कर लिया 70 लाख मुआवजा। ओवरलोडिंग पर सख्ती का असर, यूपी में बड़े बालू, मोरंग और मिट्टी के दाम, ईंट की कीमतों में भी उछल। अफगानिस्तान के हवाई अड्डों का परिचालन करेगा यूएई, तालिबान से साइन की डील। इमरान खान के समर्थक और पुलिस के बीच झड़प, हालात हुए बेकाबू, इस्लामाबाद में उतरी सेना। टेक्सास में चला बड़ा हादसा, स्कूल में राइफल ले जाते हुए एक छात्र गिरफ्तार। पश्चिमी सेनेगल के तिबाउने शहर में दर्दनाक हादसा, अस्पताल में आग लगने से 11 नवजातों की मौत। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक बैठक के दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हमारी जरूरत यूरोपीय देशों से अलग नहीं। एलिमिनेटर में हार कर बाहर हुए लखनऊ सुपर जॉइंट्स, आरसीबी ने 14 रन से हराया। रजत पाटीदार ने लगाया सीजन का सबसे तेज शतक, लखनऊ के खिलाफ खेली नाबाद पारी। पाटीदार के तूफानी शतक और धारदार गेंदबाजी से आरसीबी जीती, लखनऊ को हराकर हासिल किया क्वालिफायर 2 का टिकट। राहुल त्रिपाठी सहित कई अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों के लिए यादगार रहा आईपीएल 2022 का सीजन। प्लेऑफ में आरसीबी के रजत का धमाका, छक्का जड़ते हुए पूरा किया शतक। आमिर खान और किरण राव को करण जौहर की बर्थडे पार्टी में कपल की तरह पोज देते देख भड़के लोग, कहा अब तलाक का भी मजाक बना रहे हैं। बदनाम आश्रम को लेकर अपने ऊपर हुए हमलों पर प्रकाश झा ने तोड़ी छुपी, कहा डर के जीना अच्छी नहीं लगता। व्हाइट फ्लोरल गाउन में दीपिका पादुकोण ने बिखेरा अपने हुस्न का जलवा, एक्ट्रेस ने दिया गॉर्जियस लुक। जगदा एक्सप्रेस के लिए एक्ट्रेस ने की कड़ी मेहनत, बदल गए अनुष्का शर्मा के चेहरे की रंगत।
डिजिटल डेब्यू करने को तैयार आलिया भट्ट, फिल्म डार्लिंग्स के लिए एक्टर शाहरुख खान संग मिलाया हाथ। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।